नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आज का ब्लॉग बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और आज का ब्लॉग हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं घर के अंदर, क्योंकि अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और बाहर है अंधेरा। ये पूरी सीरीज ही बहुत अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि मैं विजिट कर रहा हूँ अपने दोस्त का घर जो कि है पौड़ी में, और अभी मेरा दोस्त आ जाएगा। जैसे कि आप लोग भी जानते हो, वो काफ़ी बार मेरे ब्लॉग्स में भी आया है, उसका नाम शुभम रावत है। और बस उसी के साथ ये जर्नी पूरी रहेगी, तो जैसा भी है मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। और पौड़ी बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ पे गांव में देखेंगे क्या क्या हो रहा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और ये पूरी ट्रिप हम लोग बाइक पे करने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस रहने वाली है। तो आप बने रहिएगा इस ब्लॉग में और देखते रहिए। ये है मेरा दोस्त शुभम रावत, जैसे कि मैंने आपको बताया। हेलो हेलो हेलो। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं अपने घर से, और बड़ी खूबसूरत सुबह हो रही है, मैं आपको दिखाऊंगा। हमें निकले हुए पूरे 2.5 घंटे हो चुके हैं। हम लोगों ने हरिद्वार से एक नहर का रास्ता जाता है कोटद्वार के लिए, हमने उसी रास्ते को पकड़ा है। और जो आप हमारे पीछे रोड देख रहे हैं, नजियाबाद वाली रोड है, और ये रास्ता शॉर्टकट है कोटद्वार के लिए, प्लस पौड़ी के लिए भी प्लस। और ये बहुत ईजी एक्सेस है, यहाँ रोड काफ़ी अच्छे से बनी हुई है, तो आप बहुत आराम से चला सकते हैं। शुभम, आप कुछ कहना चाहोगे? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई सेफली आना, यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे खतरनाक ड्राइव करते हैं ना, बहुत सारे लोग, तो सेफली आना, ज़्यादा ओवर स्पीड मत करना। बिल्कुल सही, यही कहूंगा, और एंजॉय करना जर्नी को। हाँ, रोड ज्यादा अच्छी बनी हुई, तो ये नहीं कि दौड़ाते रहो, ये 150-200 चला रहे हो, आराम से चलाओ। और बढ़िया रास्ता है। सभी हम लोग पहुंच चुके हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, और जस्ट मेरे बैक साइड में यहाँ पे रिजर्व है, तो काफी अच्छा रास्ता जा रहा है और काफी अच्छी जर्नी जा रही है। अभी मैं आपको अगर घूम के दिखाऊँ, तो ये पीछे यहाँ पे पूरा रास्ता गया रिजर्व के लिए, ये पूरा बहुत अच्छा रास्ता है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी मैंने गोप्रो नहीं लगाया है, अभी थोड़ी देर में लगाएंगे गोप्रो, और मस्त आपको भी मज़े कराएंगे राइड के। आपको मैं हमारी बाइक दिखाते हैं क्या हाल हो रखे है। शुभम हो चुका है तैयार, ये बिल्कुल बर्फीले पेंगुइन जैसा। लोगों ने लैंसडाउन और गुमखाल क्रॉस किया है, यहाँ से हम जाएंगे ढाडूखाल की तरफ। ढाडूखाल के बाद लगभग 20 किलोमीटर के बाद, ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर के बाद अपना सतपुली आता है, फिर सतपुली के बाद अपना गांव थोड़ा यही कोई 20-25 किलोमीटर और। अभी ऑलमोस्ट हम लोग आधा रास्ता कवर कर चुके हैं और आधा है बाकी। और जैसे कि हमारे आप पीछे देख सकते हो, अगर कैमरा जस्टिस कर रहा हो, तो यहाँ पे स्नो वाले माउंटेन्स दिख रहे हैं और बहुत ही प्यारा व्यू है। हम लोगों ने थोड़ा बिस्किट वगैरह और पानी वानी पिया और थोड़ी एनर्जी गेन करी और ज़्यादा राइड करने के लिए। और पहाड़ों में तो शुभम भी चला रहा है गाड़ी, मैंने प्लेन्स में चलाई थी और काफ़ी मज़ा आया। यही है, चलते हैं फिर आगे और मज़े करते हैं। गाइस, ये है सतपुली, बहुत ही सुंदर लग रहा है। वो अलग बात है, मैं काला आ रहा हूँ क्योंकि पीछे को भी दिखाना है। और अभी हम काफ़ी हाइट पे थे, तो मैंने कहा चलो एक ड्रोन शॉट ले लिया जाए। तो काइंड ऑफ अ ड्रोन शॉट है, बहुत ही प्यारा लग रहा है सतपुली। पहले हम लोग पहुंच चुके हैं गांव, और यहां से हमें नीचे पगडंडियों के रास्ते से जाना है। 10-5 मिनट का रास्ता है कुछ, तो मैं हेलमेट नहीं उतार रहा हूं, क्योंकि वो तो फिर हाथ में बहुत सामान हो जाएगा, ऑलरेडी हमारे पास सामान काफ़ी है। और लेकिन मैं उतार रहा हूं। आप उतार लो। और आप कुछ कहना चाहोगे शुभम जी? बस मैं यही कहना चाहूँगा, जर्नी बहुत अच्छी थी, अच्छे से आ गए हम, सही सलामत आ गए घर। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये पुराने ज़माने का घर बना हुआ है, बट हल्का सा मॉडर्न टच है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप मेरी खुशी को पहचान सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और नेचर के बीच में हूँ, तो अपने आप ही खुशी दुगना तिगना चुगना हो रखी है।
यहाँ के बारे में आप लोगों को कल दिखाऊंगा और बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे कैसे पूरा घर है और कैसे कैसे सब कुछ बना हुआ है। हम लोग अभी जा रहे हैं शुभम के कुछ दोस्त लोगों से मिलने गांव के, और उनके साथ थोड़ा गांव को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे यहाँ के बारे में क्या क्या हो रहा है और वो लोग क्या क्या करते हैं यहाँ पे शाम को। अच्छा लग रहा है यार काफ़ी टाइम बाद ना ऐसे वॉक करते हुए पीसफुली, क्योंकि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जहाँ पे अपने शहर में इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला है, फिर एकदम बिल्कुल शांत जगह आ जाओ जहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ और अलग अलग पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। देहरादून में तो केवल गालियों की आवाज़ सुनाई देती है बस वैसे फॉरनों की आवाज़, और उससे अच्छा यहाँ पे सही है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है मेरे को तो बहुत ज़्यादा नेचर से प्यार है, हमेशा मैं नेचर में ही घूमता रहता हूँ, कभी कहीं कभी कहीं, और आप लोगों को रूबरू कराता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को एंजॉय कर पाएँ। हम लोगों ने अभी लकड़ी लुकड़ी तोड़ी, बेसिकली हमने नहीं, इसके दोस्त लोगों ने लकड़ी तोड़ी है और आग वगैरह जलाने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो अब लकड़ी वकड़ी जलाएंगे। और जो हमसे आगे दोस्त लोग जा रहे हैं उन्होंने तो बहुत ही बड़ा पूरा वुड लॉग पकड़ा हुआ है। शाम के टाइम पे यहाँ पे ठंड ठंड होती है ना भाई, तो उसके लिए यहाँ पे ऐसे गाँव में लड़के लोग मिल करके ऐसे लकड़ियाँ जमा करके और बॉनफायर टाइप बनाते हैं। तो बस तो हम भी अभी ये बॉनफायर वगैरह करेंगे और इन्जॉय करेंगे, ये वॉकिंग प्लस बॉनफायर हो गया है तो बोनस है हमारे लिए, तो मिले तो काफ़ी नया है तो मज़ा भी आ रहा है। हम लोग वापस घर आ चुके हैं और काफ़ी अच्छी रही इवनिंग, बहुत मज़ा आया। शुभम के दोस्त लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और हम्बल हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही चीज़ें और बॉनफायर भी बहुत अमेजिंग था। तो व्लॉग के एंडिंग आज यहीं पे करते हैं और कल नए दिन से शुरुआत करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। तो ठीक है फिर, बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।